हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चॉप शॉप। तो दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट आ रही NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रिक्रूटमेंट है दोस्तों, टेक्निकल असिस्टेंट इन वेरियस डिपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट में टेक्निकल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है और सैलरी काफ़ी अच्छी है। जॉब टाइप परमानेंट रहेगी, फ्रेशर्स एलिजिबल रहने वाला है। तो सारे डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन थ्रू बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट है, शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में रिक्रूटमेंट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। अशोक राजपथ पटना में इसका जो है कॉलेज है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। टेक्निकल असिस्टेंट टोटल जो है 19 पोस्ट है, 19 पोस्ट हैं। UR में 8, एक EWS, OBC में 5 है, SC में 3, ST में 1, PWD में 1 है। यानी सबके लिए वैकेंसीज हैं यहाँ पे। 4200 ग्रेड पे की जॉब है, बेसिक पे दे सकते हैं 34800 तक है, पे लेवल 6 की जॉब है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अदर अलाउंसेज भी आपको मिलेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन है 22 अप्रैल से लेकर 18 मई तक रहेगा, तो मैं लिंक दे दूंगा, आपको ऑनलाइन कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑनलाइन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फीस की बात करें तो UR, OBC, EWS के लिए 400 रुपये, SC ST के लिए 200 रुपये है। सिलेक्शन जो है आपका रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर सिलेक्शन प्रोसेस इंस्टीट्यूट में रिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम नंबर तो CBT हो सकता है, ऐसा बोला गया है। MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट इंक्लोजर करना है आपको, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिंक मैं दे दूंगा, आपको आराम से अप्लाई करिए। अब आते थे कि डिपार्टमेंट अलग अलग है, जैसे हैवी स्ट्रक्चर है इसमें, आप अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। UR में सभी कैटेगरी अप्लाई करेंगे, और जो ST है या OBC है, SC है, उसमें केवल वही कैटेगरी के लोग अप्लाई करेंगे। तो पहला जो हैवी स्ट्रक्चर में फर्स्ट क्लास जो है इक्विवेलेंट BTech सिविल वाले, या फिर डिप्लोमा कर रखा है और डिजायरेबल एक्सपीरियंस नॉलेज, मतलब मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है, जैसे हैंडलिंग इक्विपमेंट, तो आपको प्योरिटी मिलेगी। टेक्निकल सिस्टम वाटर रिसोर्सेज में जो है एक UR में है, इसमें जो है BA BTech सिविल वाले सिविल के लिए है। फिर है पावर सिस्टम, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है डिपार्टमेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए BTech या डिप्लोमा। फिर आता है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल लैब में, तो आपका जो है BTech है इलेक्ट्रिकल से आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर डिप्लोमा है। फिर है RF माइक्रोवेव में, तो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का